అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శాశ్వత్ సింగ్. మీరు చూస్తున్నది వన్ అప్ ఇన్ ద హౌస్. మీరు ఎందరు ఇలా ఉన్నారు? One take, yeah. I think कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने. This was the intro in Telugu. तो मेरे तेलुगु बंदों, कहाँ हो आप लोग? जल्दी से कमेंट कर दो, और अगर प्रीमियर देख रहे हो तो चैट में बता दो कि मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ. सुन रहा है ना तू? तो आज का गेम है पाई नान हॉट ड्रॉप, गेम नंबर 39. पाई नान, अगर आपको नहीं पता तो ये मैप के बिल्कुल सेंटर में तो नहीं है, थोड़ा सा नीचे है. ये जो तीन आइलैंड दिख रहे हैं, इसमें से वेस्टर्न साउथ वेस्ट साइड में है ये. अगर आपको साउथ वेस्ट नहीं पता, थोड़ा सा देख लीजिए डायरेक्शंस, गड़बड़ है. यहाँ पे 23 नंबर टीम कूद चुकी है, 10 नंबर टीम भी कूद चुकी है, 3 नंबर टीम भी कूद चुकी है. तो बहुत सारे लोग फाइनान जा रहे हैं क्या? टीम नंबर 25, ये तो कहीं और कूद गई है. शायद इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले डिस्कॉर्ड पे, या ये एकदम रेबेल्स हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कुछ भी बोलता रहे, हम तो अपने मन मर्जी करेंगे. इवोइड शुभांकर, डेड शॉट एंड ड्रॉप शॉट, टीम नंबर 25. पाइनान के पास हैं ये. थोड़ा सा ये लोग ना स्मार्ट प्ले करते हैं ना, कि जाके पाइनान से थोड़ा सा दूर लैंड कर जाएंगे, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, फिर हम जब एंड में जाएंगे तो हम वाइप आउट कर देंगे उसको. एनीवे, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी है. टीम नंबर 2, टीम नंबर 9 एंड 12 एंड 6. तो पाइनान हमारा फ्लॉप नहीं हुआ, बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे. सोल MSP लेटे हुए हैं, इनके पास मौरी फटता है और इनकी हेल्थ जाने लगती है. अभी अभी तो मैच शुरू हुआ था, एकदम से जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी, सब पलट दिया. और विजयंत चुग का था ये मोलोटोव कॉकटेल. टीम नंबर 6 के विजयंत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे सोल MSP के दो बंदे ऑलरेडी मर चुके, मुन्ना भैया एंड ईविल स्मैश. तो क्या हुआ यहाँ पे? टीम नंबर 2 भी नॉकआउट हो चुके. टीम 2 और टीम 9 की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे सोल MSP को विजयंत चुग ने नॉकआउट एंड फिनिश कर दिया. तो टीम नंबर 12 के लिए काफ़ी दिक्कतें हो चुकी हैं, अकेला बंदा उनका रह गया है. और यहाँ पे विजयंत लूट करते हुए साथ साथ हमारी टीम नंबर 9 और टीम 2 की लड़ाई हो रही है. यहाँ पे टीम 9 का एक बंदा नॉक कर देते हैं इन्फर्नो प्लेस, और अब दूसरे बंदे को आके इन्फर्नो को मारना पड़ेगा. यस, नॉकआउट कर दिया है. एंड हर्षा दबास, इन लोगों ने मिलके टीम नंबर 2 को बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे दी हैं. टीम नंबर 2 के अब कितने बंदे बचे हैं देखना पड़ेगा. बजाज कृष्ण और किलर शिव 1807 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. टीम 7 की टीम 25 से लड़ाई होती है, ड्रॉप शॉट ने पहला नॉकआउट निकाल दिया. यहाँ पे टीम 25 दूर से आती हुई लड़ाई के बीच में घुस गई है, और अब देखना होगा कि क्या टीम 25 सबको मार के निकल जाती है क्या. थोड़ा लेट आए फाइनान और धूम धड़ाका करना शुरू. यहाँ पे मयंक ने नॉकआउट निकाल दिया बीस्ट बॉय शुभ का. बीस्ट बॉय शुभ, यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मयंक मार देते बीस्ट बॉय शुभ को, और अब देखना होगा कि टीम नंबर 1 के कौन से बंदे उनको रिवाइव करने आते हैं, क्योंकि ये पहला नॉकआउट था. तो टीम 23 और टीम 1 की लड़ाई चल रही है. यहाँ पे वापस आ चुके हैं पाइनान. यहाँ पे टीम 25 और टीम नंबर 9 और 6 की भी लड़ाई होती है. माय गॉड, ग्रेटफुल ग्रेनेड फेंक देते टीम 25 के घर के अंदर. यहाँ पे ड्रॉप शॉट बाहर आके गोलियां मारते हैं, लेकिन वो वापस अंदर चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि अंदर ग्रेनेड है. और एक ग्रेनेड फटता है और लेकिन उससे कोई नॉकआउट नहीं होता है. ड्रॉप शॉट की हेल्थ काफी जाती है, उसके बाद गॉड ग्रेटफुल उनको नॉकआउट कर देते हैं वेक्टर से. अब टीम 25 दिक्कत में आ चुके हैं, टीम नंबर 6 और 9 दोनों के साथ उनकी लड़ाई हो रही है. टीम नंबर 6 के चारों मेंबर्स अलाइव हैं. यहाँ पे कैपर नूब अंदर घुस चुके हैं. यहाँ पे स्मोक भी हो रखा है कैपर नूब पर से. डेड शॉट और डेड शॉट पहले नॉक हो जाते हैं कैपर नूब के ऊपर से. शुभांकर शॉट लेते हैं और शुभांकर ने अपने पार्टनर को बचा लिया. क्या ऊपर से वापस टीम नंबर 6 आ दिया. यहाँ पे दोनों बंदे शुभांकर के थ्रू नॉकआउट हो जाते हैं. अब शुभांकर को खेले देखना पड़ेगा कि कैसे उनको अपनी टीम को बचाना है. यहाँ पे दो बंदों का लॉस हो चुका है टीम नंबर 25 को, एंड टीम 6 इज फिनिश्ड. तो काफ़ी घमासान युद्ध हुआ टीम 6 और टीम 25 का. यहाँ पे हर्षा दबास अभी भी टीम नंबर 25 के जान के प्यासे हैं, भूखे हैं ये. इनको मारना है टीम नंबर 25 को. इनके अभी एक ही मेंबर की मौत हुई है, बाकी तीनों की तीनों अलाइव हैं. यहाँ पे पीछे से टीम नंबर 9 आती हुई मल्हार के पास क्लीन व्यू है शुभांकर का. क्या शॉट लेते हैं, एक बॉडी शॉट लगता है, 25% हेल्थ रह जाती है. यहाँ पे शुभांकर उछल के बचने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे दूसरा शॉट है नॉकआउट मल्हार का, बहुत ही प्यारा M24 का नॉकआउट ऑन शुभांकर. अब ईवो वॉइड अकेले रह गए हैं, इनको अपनी टीम को बचाना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि शुभांकर के बिना. शुभांकर मर गए, ओह शिट, पता ही नहीं चला. यहाँ पे ईवो वॉइड अकेले बचे हैं. यहाँ पे हर्षद अब्बास और मल्हार दोनों ने मिलके शुभांकर को ख़त्म कर दिया है. ईवो वॉइड को अब अपनी जान बचानी है या फिर इन दोनों को 1v2 करना है, ये देखना होगा. 4x and QB
जी चला रहे हैं, क्यूबी जी है ना ये, क्यूबी यू तो नहीं है। और अब हाथ में ग्रेनेड पकड़ लिया है, लग रहा है कि यहाँ से भागने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो वॉइड, लेकिन साथ साथ टीम नंबर 9 भी आगे आती हुई। बहुत ही ख़तरनाक होगा यहाँ से बच के निकलना, क्योंकि मल्हार और हर्षा दबास दोनों ही उनकी जान के प्यासे हैं। हर्षा दबास आगे आते हुए ईवो वॉइड और हर्षा की लड़ाई होती है यहाँ पे ऑटो के पीछे से। हर्षा दबास कवर लेते हुए हर्षा दबास को नॉकआउट कर देते हैं, ईवो वॉइड पहला नॉकआउट निकाल देगा यहाँ पे, 1v2 कर देंगे, लेकिन नहीं, ये इस मल्हार ने ख़त्म कर दिया टीम नंबर 25 का स्क्वाड। तो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो गया टीम 25 के साथ। यहाँ पे टीम नंबर 8 और 4 की लड़ाई होती है, यहाँ पे रिवेंज देख रहा हूँ अपने नॉकआउट निकाल के उनको फिनिश करने का तय कर लिया। डार्क एंटिटी एंट्री बोलने वाला था मैं, डार्क एंटिटी की मौत हो चुकी है। यहाँ पे जीएस गगन भी वहीं पे हैं, ONX के हॉजर्स यहाँ पे स्प्रे लेते हैं गगन के आसपास और गगन पे कनेक्ट नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। और काटे कर यहाँ पे लेट के रूम के अंदर थोड़ा सा मुआयना करते हुए टीम नंबर 1 और 23 की लड़ाई अभी तक चल रही है। टीम 1 एक प्लेयर इनका खा चुकी है, यश की मौत हो चुकी है यहाँ पे। मयंक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्लोज कॉम्बैट और काटे कर यहाँ पे रिवर्स को ख़त्म कर दिया। तो टीम नंबर 1 के एक प्लेयर रह गए हैं, और वो एक प्लेयर कौन है, एक प्लेयर हैं कि दो प्लेयर हैं, एक ही प्लेयर दिख रहे हैं मिनी मैप में। तो और मयंक यहाँ पे घूम रहे हैं आसपास, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे एनिमी, कोई भी साउंड नहीं आ रही है यहाँ पे। लक्ष्य को नॉकआउट कर दिया वैलेंसी ने, और काटे करने यहाँ पे बीस्ट बॉय को नॉकआउट करके फिनिश कर दिया। अब ग्लिच अकेले बचे टीम नंबर 1 के। यहाँ पे टीम 24 जीरो हेल्थ, शॉट ले रही टीम नंबर 9 के ऊपर जो पायदान से निकल गया था। हर्षद आवास यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, जीरो हेल्थ ने बहुत ही तगड़ा स्प्रे निकाला है और गाड़ी विस्फोट में कन्वर्ट हो गई, फट गई, और उसके साथ साथ हर्षद आवास को भी अपने साथ ले गई। यहाँ पे टीम नंबर 23 और टीम नंबर 1 की स्टैंड ऑफ होता हुआ, अकेले बचे हैं ग्लिच और टीम नंबर 23 के 3 प्लेयर्स। यहाँ पे टीम नंबर 5 के VPN साकिब, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सोमू ने काटेकर को नॉक कर दिया, और यहाँ पे मयंक ने सोमू को नॉक कर दिया। तो जीरो हेल्थ ने यहाँ पे साकिब को नॉक कर दिया और दो बंदे नॉकआउट निकाल दिए जीरो हेल्थ ने, एक ही स्प्रे में दो बंदे। ओके, जीरो हेल्थ का दोबारा से स्प्रे आता हुआ पेड़ के पीछे, रिवाइवल चल रहा है, स्मोक भी हो रहा है और एक बंदा कवर भी ले रहा है और ब्लू जोन भी आ गया, हेल्थ भी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। जीरो हेल्थ ने यहाँ पे फाइनली VPN साकिब को खत्म कर दिया। यहाँ पे वैलेंसी भी शॉट देते, जीरो हेल्थ ने एक और डेथ गार्ड को भी मार दिया। यहाँ पे हंटर अनुराग रह गए हैं और अब ये हील अप कर रहे हैं, इनका बचना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे लवंश के ऊपर वैलेंसी शॉट्स ले रहे हैं, तो टीम नंबर 5 गलत पोजीशन में फंस गई है टीम 24 के सामने अगर एनिमी होगा और वो ब्लू जोन के अंदर होगा तो वो बचना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे अब आगे जा रहे हैं, ये हमेशा आगे जाते हैं और आगे जाके पहले नॉकआउट हो जाते हैं, या तो ये पूरी स्क्वाड ख़त्म कर देते हैं या फिर नॉकआउट होकर फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे पहला नॉकआउट निकालते हैं वैलेंसी ने, हंटर अनुराग को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे जीरो हेल्थ दूसरा डेथ गार्ड का भी नॉकआउट निकाल दिया है। डेथ गार्ड यार थोड़ा सा इजी नाम रख लिया करो यार, प्लीज़ यार, बोलने में दिक्कत होती है यार। गॉड लवंश यहाँ पे अकेले बचे हैं अपनी टीम का बाहर उठाते हुए, और बहुत क्लोज आ गए वैलेंसी बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। यहाँ पे लवंश के ऊपर पूरा स्प्रे आ रहा है चारों तरफ से, वैलेंसी का क्लोज से शॉट आ रहा है और जीरो हेल्थ का दूर से स्प्रे आ रहा है। यहाँ पे ग्रेनेड फेंकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेनेड जाके पेड़ से टकराता और पीछे चला जाता है। पीछे से ट्रिक्स एम लॉकर भी आ चुके हैं और इसी तरीके से खात्मा होता है टीम नंबर 5 का, चारों तरफ से घेर के उनको मारा गया, काफ़ी अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पे हाइपर निकल ने एक नॉकआउट निकाल दिया, कीरा को नॉकआउट निकाल दिया, लूसीफर उनकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन लूसीफर नॉक कैसे हो गए, लूसीफर को भी किसी ने नॉक कर दिया M4 मार के। यहाँ पे टीम 23 के सामने टीम नंबर 3 भी है, टीम 18 भी है, टीम 4 भी है, और यहाँ पे हाइपर निकल इनके यश मर चुके हैं। बाकी दो बंदे कहाँ पे, मयंक दिख रहे हैं, हाइपर निकल आगे आते हुए, यहाँ पे रिवेंज जैक रॉक उनके ऊपर शॉट ले रहे हैं, पे इनके पास दीवार का कवर है लेकिन हाइपर निकल के पास रिज का कवर है। यहाँ पे काटेकर और मयंक पीछे से आ रहे हैं, आई थिंक बाइक पे हैं वो, काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, इतना तेज़ तो बंदा भागता नहीं है वैसे। सब लोग जोन के बाहर हैं, कोई भी जोन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पे मार्वल लैब भी बाहर नॉकआउट पड़े हैं। यहाँ पे पार्कर ने 1 2 3 और एक और नोटिफिकेशन आएगा क्या, 1v3 किया है। ओके MCU पार्कर OP
थ्री विलन यहाँ पे एक नॉकआउट और फिनिश निकालते हैं। हॉजर्स को मार चुके हैं, एजेंट सेट भी खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखना होगा कि टीम 18 के साथ टीम 3 की लड़ाई होती है कि नहीं। और टीम 17 के ये रहे एमसीयू पार्कर, इन्होंने अभी अभी 1v3 किया है और यहाँ पे वर्चुअल नॉकआउट हो जाते हैं। थ्री विलन ने उनको नॉकआउट किया है और टीम नंबर 18 वर्सेस टीम 3 होता हुआ। टीम 18 के एजेंट सेट भी दूसरी तरफ से उनके ऊपर शॉट ले रहे हैं, वो दूसरी तरफ लड़ाई ले रहे हैं। टीम नंबर 23 के हाइपर निखिल दिख रहे हैं, उनको एक स्प्रे लेते हैं और बहुत ही प्यारा एजेंट सेट का नॉकआउट काटेकर उनके व्यू में। काटेकर को देख नहीं पाए, अभी तक रीलोड कर रहे थे एजेंट सेट, उसी वजह से नॉकआउट हो चुके हैं। कार 98 थी उनके पास, M4 है और अब उनके टीम मेट्स को बचाना पड़ेगा एजेंट सेट को। हमें नोटिफिकेशन दिखती है क्या एजेंट सेट की? अभी तक तो नहीं दिखी। यहाँ पे एमसीयू पार्कर QBU चला रहे हैं, एक एक शॉट टैप टैप देखें। यहाँ पे एजेंट सेट खत्म हो चुके हैं टीम नंबर 3 के साथ। टीम 17 भी लड़ाई ले रही है, टीम 18 के मनराज यहाँ पे लड़ाई ले रहे टीम नंबर, अरे इतने सारे लोग हैं, कौन किससे लड़ रहा समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे टीम 3, टीम 18, टीम 10, टीम रिफ्रेश, F5 दबाओ। यहाँ पे टीम नंबर 10, टीम 18 और टीम 3 दिखाई दे रही है। टीम 21 के अल्ट्रा पूर्व यहाँ पे स्प्रे लेते हैं, किसके ऊपर स्प्रे ले रहे हैं? अभी तो पत्थर के ऊपर स्प्रे ले रहे हैं। टीम नंबर 24 आ चुके, प्ले बॉय एकाग्र और वैलेंसी ए ब्लॉकर यहाँ पे नॉक आउट हैं। अपूर्व मेहताब और ये लोग सब टीम नंबर 24 को तो उनके अंदर आने से रोक रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 18 की लड़ाई होती हुई टीम नंबर 23 के साथ। यहाँ पे मयंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फ्रीज विलेन को उन्होंने खत्म कर दिया। मनराज भी उनके आसपास है, यहाँ पे जोन के अंदर बैठे हुए हैं, अभी तक उनको डैमेज मिल रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहे हैं। अपूर्व ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एकाग्र के ऊपर शॉट लेते हैं, वहाँ पे लेफ्ट साइड से जीरो हेल्थ ने उनको नॉकआउट कर दिया। जीरो हेल्थ पहले जोन के अंदर आ गए थे और अपने पार्टनर्स को आने के लिए उन्होंने इनेबल कर दिया। यहाँ पे फॉल्ट नॉकआउट हो जाते हैं टीम नंबर 23 के, मयंक और काटे कर रह गए। जीरो हेल्थ ने दोबारा से स्प्रे लिया, मेहताब को भी नॉकआउट कर देंगे। वो पत्थर कैसा पत्थर है, आर पार गोलियां जा रही हैं या फिर वो लोग ज्यादा ही झांक रहे हैं। मयंक ने यहाँ पे अर्चित को नॉकआउट कर दिया, दूसरी तरफ भी स्प्रे लेते हैं। मनराज को खत्म कर दिया टीम नंबर 17 के हेल बॉय ने और अब यहाँ पे जीरो हेल्थ काफी पास आ चुके हैं टीम नंबर 16 के। और यहाँ पे लग रहा है कि एक और लड़ाई होने वाली है अब्दू के पास, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब्दू को क्या पता है कि यहाँ पे टीम नंबर 24 उनके पीछे आ रही है। यहाँ पे प्लेज होते मयंक नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे टीम आर ए वर्ल्ड ने फॉल्ट वीगो को नॉकआउट कर दिया है। टीम 21 और टीम 24 की लड़ाई काफी लंबी चल रही है, टीम 16 की उनके आसपास आ चुकी है। क्या मैच ने यहाँ पे जीरो हेल्थ को नॉकआउट कर दिया, वैलेंसी ने क्या मैच को इंटर रिटर्न नॉकआउट कर दिया। जीरो हेल्थ गलत जगह नॉकआउट हो चुके हैं, अब जोन बहुत तेज से आ रहा है तो क्या यहाँ पे एक अगर उनको रिवाइव कर पाएंगे? क्या मैच अभी भी नॉकआउट पड़े हुए हैं और वैलेंसी उछल उछल के देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोबरा कॉन्टेंट को, कोबरा कॉन्टेंट गलत जगह स्प्रे ले रहे थे टीम 17 के ऊपर। देखिए इतनी सारी टीम आसपास है कि सब इधर उधर स्प्रे मार रहे हैं और देख नहीं रहे कि पीछे से भी या फिर साइड से भी कोई गोलियां मार सकता है। यहाँ पे जीरो हेल्थ अभी भी नॉकड आउट है, आई थिंक दोबारा प्ले जोन से नॉकआउट हो गए। एकाग्र अपने आप को हील अप करते हैं और जीरो हेल्थ आई थिंक अब यहाँ बच नहीं पाएंगे। एकाग्र उनको छोड़ के आगे भाग चुके हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया जीरो हेल्थ के साथ। पहली बार ऐसा हो रहा था कि टीम 24 के चारों बंदे आगे जा रहे थे फाइनल सर्कल के लिए, लेकिन जीरो हेल्थ ने अपनी वो प्रथा को जारी रखा। उन्होंने बोला कि नहीं, तीन ही बंदे फाइनल सर्कल जाएंगे, चारों तो जाएंगे ही नहीं। और यहाँ पे टीम नंबर 10 के लीचू YT रिवाइव करते हुए अपने पार्टनर को फील्ड स्ट्रॉम यहाँ पे ट्राई लोकी को मार चुके हैं। टीम नंबर 10, टीम 15 की लड़ाई होती हुई यहाँ पे टीम नंबर 10 एक छोटे से घर के अंदर है। यहाँ पे वैनेसी ने मार्वल डैप को नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे टीम रॉ लॉर्ड एक्स देख रहे हैं कि क्या टीम 10 के बंदे बाहर झाकेंगे। सरबजीत नंदा अंदर घुस चुके, माधव भी अंदर घुस चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से टीम नंबर 10 को ख़त्म किया गया है। वी आर रीचिंग अप्रोचिंग द फाइनल सर्कल्स ऑफ द गेम। यहाँ पे वैलेंसी लेट के स्प्रे लेते हैं, लेकिन वो स्प्रे कोई और भी लेता है साथ में और साइड से मार जाता है उन एनिमीज को। एक और प्रथा हमारी आगे बढ़ रही है, वैलेंसी की किल स्टील हो रही हैं। और यहाँ पे रॉ वर्ल्ड ने मार्वल डैप को फिनिश कर दिया। यहाँ पे सरबजीत नंदा ने अपूर्व अल्ट्रा अपूर्व को खत्म कर दिया। तीन टीम बची हैं, 11 बंदे बचे हैं, टीम 15, टीम 24 और टीम 21। यहाँ पे रॉ लॉर्ड बाहर आते हैं, वैलेंसी उनके ऊपर स्प्रे लेकर उनको खत्म कर देते हैं। ओपन में आना इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक है। अभी भी तीन टीम बची है, मेहताब को भी नॉकआउट करते हैं वैलेंसी लेफ्ट राइट फ्रंट सेंटर सब जगह गोलियां मार रहे हैं। और एक और स्प्रे लेते हैं, यहाँ पे तीसरा नॉकआउट निकाल देते हैं, बैक टू बैक 69 को नॉकआउट कर देते हैं। अब गलती होगी वैलेंसी से, माधव ने इन रिटर्न उनको नॉकआउट कर दिया है। टीम 24 को वैलेंसी को रिवाइव कर देना चाहिए क्योंकि वो अपनी टीम को चिकन डिनर दिलवा सकते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 15 ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, आई थिंक वैलेंसी के आसपास आ रहे हैं। यहाँ पे एक लॉकर उनके ऊपर स्प्रे लेते हैं, सैनिक 69 अभी भी नॉकड आउट है। यहाँ पे माधव बहुत ही पास आ चुके हैं वैलेंसी के, यहाँ पे एकाग्र को नॉकआउट करके फिनिश कर चुके हैं। एक लॉकर अकेले रह गए, सिर्फ जीतना लॉकर नॉकआउट निकालते हैं वो माधव उनके व्यू में आ चुके हैं। वैलेंसी खत्म हो चुके हैं, टीम 24 का अकेला बाहर आ चुका है एम लॉकर के ऊपर, माधव अकेले बचे हैं टीम नंबर 15 के। पीछे एक बंदे और लेटे हुए हैं, बगल में इनको पता ही नहीं है एम लॉकर के लेफ्ट साइड में। एंड दैट डज इट फॉर टीम 24।
बहुत ही इंटेंस टीम 15 टीम 21 की लड़ाई होती है यहाँ पे। एक मोरोटो फेंकते हैं फेटल स्टॉर्म, यहाँ पे सरबजीत नंदा क्लोज कॉम्बैट में आ चुके हैं, यहाँ पे सरबजीत वर्सेस फेटल स्टॉर्म होता है, पहला नॉकआउट निकाल देते हैं 1v2 का, एक नॉकआउट निकाल चुके माधव वर्सेस फेटल स्टॉर्म हो रहा है यहाँ पे। 1v2 सिचुएशन है, क्या फेटल स्टॉर्म खत्म कर पाएंगे? लेकिन नहीं, खुद खत्म हो गए। टीम 15 टेक्स द चिकन डिनर अवे। टीम रॉ लॉर्ड एक्स एक किल के साथ, माधव चार किल के साथ, सनी 69 एंड सरबजीत नंदा विद 3 kills। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम 15, यू गाइस प्लेड रियली वेल इन द लास्ट सर्कल और उसी की वजह से आपको मिलता है चिकन डिनर। ऑल्सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम 21 की भी, फेटल स्टॉर्म एंड तक काफ़ी अच्छा खेले, चार किल निकाल चुके हैं एंड थर्ड पोजिशन पे टीम 24 अच्छा खेला गया, अब उनके भी आई थिंक 14 किल दिखे थे मेरे को। तो गाइस अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। और एक और बात, मैंने सुना कि स्काउट और डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट का कोलैब होने वाला है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैब्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गेमिंग, क्योंकि डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, और हमारे अपने चहीते स्काउट के साथ उनका कोलैबोरेशन हो रहा है। तो क्या स्काउट उनको बता देंगे कि मोबाइल गेमर्स आर ऑल्सो द रियल गेमर्स? तो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने अगर ये तय किया है कि वो स्काउट के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो दैट मीन्स इट्स अ विन फॉर द मोबाइल गेमर्स। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? बिल्कुल, ये तो जीत हो गई मोबाइल गेमर्स की, कि पीसी करते रहते हैं जो लोग कि हाँ हम ही हैं बी एस सुपीरियर। नहीं, मोबाइल गेमर्स कैन ब्रिंग इन द व्यूज, मोबाइल गेमर्स कैन ब्रिंग इन द लाइव वॉचिंग। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फ्राइडे, लेट्स सी। ये कंबाइंड वॉचिंग तो इसकी मिलियन जानी चाहिए, 5-5 lakh दोनों लोग अपना वॉचिंग ले आते हैं तो मिलियन तो हो जाएगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सो ये था आज का पाइनान हॉट ड्रॉप मैच। अगर आपको पसंद आया और आप भी ऐसे ही मैचेस खेलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू वन अप गेमिंग, बिकॉज वी कीप डूइंग दीज कस्टम रूम गेम्स विद आवर सब्सक्राइबर्स। दैट इज इट फॉर दिस गेम। माय नेम इज शाश्वत एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।